Joining us right now is the chief of the royal family of Ayodhya, Vimlendra Pratap Mishra. Thank you very much, sir, for having spoken to us. I want to start by asking you, your family and Ayodhya are almost synonymous with each other. What are your personal memories of Ram Janmabhoomi of Ayodhya? Ram Janmabhoomi, a few years back, before 30 years, before 92, it was quite normal. Nothing happened. In my memory, you can say, I was young that time. Or after 92, when the politics comes, the Ayodhya changes a lot. आपने जो इतना वक्त बिताया है अयोध्या में, आपने कैसे शहर को बदलते हुए देखा है? अभी कोई खास बदला नहीं, क्योंकि 20, 25, 30 सालों से सरकार ने कुछ नहीं किया. अब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है, योगी जी जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर हुए हैं, तो उनका पूरा ध्यान अयोध्या की तरह है, और वो हर तरह से अयोध्या का सर्वांगिक, जिसे कहते हैं, डेवलपमेंट चाह रहे हैं. अब बहुत कुछ संभावनाएं हैं इसको बढ़ने की. इसमें अभूतपूर्व चेंज आएगा. अयोध्या एक बहुत ही सुंदर नगरी के रूप में विकसित होने जा रही है. इसके पहले गवर्नमेंट दूसरों की थी, वो अयोध्या की तरफ ध्यान नहीं देते थे. अयोध्या में कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं हुआ, तो अब हम पूरी अयोध्या या क्या पूरा भारत आशान्वित है कि बहुत ही जल्दी अयोध्या एक बहुत ही सुंदर नगरी के रूप में बनेगी. और मैं समझता हूँ कि अयोध्या को भी वही दर्जा प्राप्त होगा जो वेटिकन सिटी को प्राप्त. और एक वक्त में तो कहते हैं कि जो एक आध्यात्मिक हार्टबीट था अयोध्या इस देश का, वो पॉलिटिकल कैसे हो गया? कैसे उसमें से जो सारा अध्यात्म था, क्या आपको लगा कि वो कुछ सालों तक गायब ही हो चुका था? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा बहुत जेन्युइन था. प्रभु राम जहाँ पैदा हुए, अयोध्या में ही तो पैदा हुए, वहाँ उनका मंदिर बनना बहुत आवश्यक था. उस पर एक ढांचा खड़ा था बाबरी मस्जिद के नाम से. बाबर के वक्त में मीर बाकी ने वहाँ पे एक मस्जिद मंदिर तोड़ के बनवाया था, जिससे सारे एविडेंसेस मिल गए, सारे साक्ष्य मिल गए हैं, जिसके आधार पर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूनानी मसले निर्णय दिया है हिंदुओं के पक्ष में, और एक ट्रस्ट बनाया है जिसके तहत राम मंदिर का निर्माण होगा. तो वो सबके लिए वो अच्छा नहीं लगता था. और भगवान जब अयोध्या में पैदा हुए हैं तो मंदिर भी उनका अयोध्या में ही बनेगा. अब अयोध्या का गौरव लौटा है, अयोध्या का सम्मान लौटा है, और अयोध्या के लोग बहुत ही प्रसन्न हैं. राम तो जन जन में है. जो भी आज के 200 साल 300 साल पहले जो गिरमिटिया मजदूर जो लोग गए विदेश में, जो आज वहाँ हैं, वहाँ के कई भारतीय, वहाँ के राष्ट्रपति भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, वो सब जो भी गए अपने साथ क्या ले गए? रामचरित मानस ले गए. ने कहा कि अयोध्या श्रीहीन हो गया, इसका क्या मतलब है? अयोध्या की सारी वो चली गई, श्री चली गई. श्री मतलब गौरव, मतलब उसकी जो रौनक है वो चली गई थी, क्योंकि भगवान राम का मंदिर नहीं था. और राजनीति ने और लोगों ने इस तरह से अयोध्या को श्रीहीन कर दिया था कि यहाँ कोई डेवलपमेंट होता ही नहीं था. तो अब वो सब लौट रहा है, अयोध्या का वैभव लौट रहा है. एक बड़ी अजीब सी चीज मैंने देखी एक तरफ है, और लोग ये जानते नहीं होंगे कि जो कोरियन रॉयल फैमिली है उससे आपके इतने पुराने रिलेशंस हैं, वो सालों के बाद अपनी लेगेसी को यहाँ पर ढूंढते हुए आए, और हमारे अपने देश में हमारी लेगेसी थी जो कि गायब हो रही थी, जैसे आप कह रहे हैं कि श्रीहीन हो रही जी. 1999 में प्राइम मिनिस्टर क्या जॉन पिलकिन, जो साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका पत्र आया मेरे पास कि हमारे आज 2000 वर्ष पूर्व अयोध्या की राजकुमारी सेल करते हुए कोरिया पहुंची, वहाँ किमह के राजा सूरो से शादी की, उनके पुत्रों ने कोरिया गणराज्य बनाया. तो जो किम डायनेस्टी है वो सब उन्हीं के वंशज हैं. 10 मिलियन है वो. उस वक्त प्रेसिडेंट भी किम थे और उन्हीं के थे, और प्राइम मिनिस्टर भी थे. तो मैंने उनके पत्र का जवाब दिया कि ठीक है, मैं वो हूँ, लेकिन मैं उस वंश का नहीं हूँ. ये आपकी तस्वीरें हैं सारी कोरिया में? ये कोरिया में, ये प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट के साथ है. ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मैं हूँ, ये माय वाइफ, ये प्राइम मिनिस्टर की मिसेज हैं, इज ए एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन कोरिया,
witnesses and the cabinet. So such is their desire to reconnect with their heritage. So I'm sorry. So मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन चूंकि आप राजवंश आपका जो है चलाओ 47 तक मेरे ग्रैंड फादर राजा थे तो आपको आना हो, तो चूंकि मैं वहाँ का वंशज था तो उनके सेरेमनी में मुझे उनके ही कपड़े पहनाएंगे ये, और मैंने उनका सब अटेंड किया और एक सामाजिक सौहार्द बना और हर वर्ष एक मॉन्यूमेंट उन्होंने भेजा 2 साल बाद जो सरयू नदी के किनारे स्थापित हुआ उनकी रानी के उसमें, और हर वर्ष उनके डेलीगेट्स आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, सब जो अपना 2 बार वहाँ पे अपने रिचुअल्स करते हैं, अपना रेस्पेक्ट पे करते हैं, तो एक संबंध बना और उनको मैं हमारे यहाँ उनका लंच और डिनर सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, और इसी के उसमें जो है प्रेसिडेंट की वाइफ फर्स्ट लेडी केम 2 years back माननीय योगी जी के आमंत्रण पर, और दीपावली की वो चीफ गेस्ट रही, और अब जो है उनका जो मॉन्यूमेंट है और जो पार्क है अब वो यूपी गवर्नमेंट उनको फंड भी दे रही है और ज़मीन भी दे रही है, वो बड़ा होगा, एक बहुत बड़ा कोरियन का भी वो अयोध्या एक तरह से तीर्थस्थल बन जाएगा। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इज़ दिस गोइंग टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंडिया रिक्लेमिंग इट्स लेगेसी? अनडाउटेडली नॉट द स्टार्टिंग टाइम, लेकिन लेगेसी तो पहले से ही थी, लेकिन अब इसमें 4 चांद लगने जा रहे हैं।